जो तो मंदिर है कृष्ण भगवान का, हरे कृष्णा मंदिर का नाम ही हरे कृष्णा है। और ये मंदिर अंदर से बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर कृष्ण भगवान के बारे में पूरा पूरा चित्र बताया गया है अंदर। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, जो सोने की द्वारका थी उस टाइम में बनाया गया। ये भी सूरत में, सूरत गुजरात में आया हुआ है, जो तापी नदी किनारे, ये भी तापी नदी किनारे ही बना हुआ मंदिर। लगभग तो सूरत में सबसे ज़्यादा मंदिर तापी नदी किनारे है, सब भगवान के मंदिर, क्योंकि तापी नदी किनारे बहुत बड़ी मंदिर है। और ये मैं आपको पूरा मंदिर अंदर से दिखाऊंगा किस तरह यह मंदिर है। आपको ये देखिए, काफ़ी पब्लिक यहाँ से अंदर जाने के लिए भी बनाया गया है पूरा का पूरा। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी है काफ़ी। धन्यवाद। ओके, ये जो है मंदिर का गेट है, और अब आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर। और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस मंदिर के अंदर ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो आपके जीवन में देखने में भी आपको मज़ा आएगा, और अपने बच्चों को भी आप ये चीज़ दिखाने ज़रूर ला सकते हैं। और इस मंदिर की क्या खासियत है वो मैं आपको इस मंदिर के अंदर जाके बताऊँगा। और देखो, यहाँ पे हर चीज़ की दुकानें के नाम दिए गए हैं, या लाइब्रेरी भी है, होटल भी है, और मिठाई की दुकान भी है, और वो मैं आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद बताऊंगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये ही है मंदिर, हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर है, द्वारकाधीश भगवान, हरे कृष्ण राधे कृष्णा। और आज संडे है, और संडे के दिन काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, और पब्लिक भी आती है, लेडीज जेंट सभी लोग आते हैं। और 4 बजे का टाइम है, और इस टाइम यहाँ पर आरती हो रही है। अभी देखो किस तरह द्वारका बनेगी, उसी तरह द्वारका का पूरा नक्शा लिया गया है, और ये इस तरह कुछ ये बनाया गया मंदिर। और देखो पब्लिक इस तरह, अभी आरती हो रही है, मैं आगे आपको बताऊंगा पूरी आरती किस तरह होती है मंदिर के अंदर, और मंदिर का बाहर का ग्राउंड भी आपको बताऊँगा, आजू बाजू क्या देखने लायक है, इसके आगे पीछे और भी कुछ देखने लायक है मंदिर के, तो वो आपको मैं इस मंदिर के ये आरती ख़त्म होने के मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये देखो, जो मंदिर के जो पुजारी थे उनकी भी यहाँ पर मूर्ति बनेगी, जो पहले थे यहाँ पर। देखो साउंड वगैरह लगाए गए, और कृष्ण भगवान के चारों ओर यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, लिखा हुआ है हरे कृष्णा राधे कृष्णा। और यहाँ पर कृष्ण भगवान के चित्र बनाए गए, अपने बचपन के, किस तरह बचपन में वो नटखट खेल खेलते थे हमारे श्री कृष्ण भगवान। ये देखिए पूरी तस्वीरें कुछ इस तरह चित्र बनाई गई है, और पब्लिक देखो लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक आती है, और अपने मन की इच्छाएं लेकर आती है, और भगवान उनकी इच्छा ज़रूर पूरा करता है। और आप भी ज़रूर आइए, देखो लिखा हुआ है हरे कृष्ण। ये जो मूर्ति कृष्ण भगवान की इस पेटी के अंदर, कांच के अंदर बनाई गई है, देखो यहाँ हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता माता की भी मूर्ति है इसके अंदर। और हमारे कृष्ण भगवान ने किसी तरह पहाड़ उठाया था, उसका भी दृश्य बनाया गया, हमारे राधा जी के साथ भी उनका ये चित्र बनाया गया है। और ये देखिए मंदिर के अंदर ये पूरा नज़ारा मंदिर का आप कुछ इस तरह देख सकते हो। और इसके बावजूद और भी कई ऐसी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो आपको देखने में और भी इंजॉय होगा, और आप ज़रूर यहाँ पर ये मंदिर देखने आए। ये मंदिर सूरत के अंदर ही आया हुआ है, और ये देखिए हमारे कृष्ण भगवान की अधि से अधि चित्र बनाए गए। देखो यहाँ पर किस तरह यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है, देखो सभी लोग पब्लिक किस तरह, जो अपने भगवान को, इष्ट भगवान को, जो कृष्ण भगवान को जो मान रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आई हुई है, क्योंकि कृष्ण भगवान को तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो हमारे नरसिम्हा भगवान, और ये देखिए आप नज़दीक से जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कृष्ण भगवान के, देखो किस तरह यहाँ पर रूप बनाए गए, रणछोड़ रहा है, ये देखो जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। ये देखो किस तरह युद्ध हुआ था, और किस तरह कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ा था, उसका उनका भी रणछोड़ राय का भी यहाँ पर एक दृश्य बनाया गया है।
ये देखिए पूरा बार का ग्राउंड है, पीछे की साइड मंदिर के पीछे एक जो दूर से पब्लिक आती है उनके ठहरने के लिए यहाँ पर रूम भी है, जो आपने गेस्ट बनाए गेस्टों के लिए जो रखा गया रूम उनके लिए भी। और देखो ये किस तरह यहाँ पर सुविधा है, और आपको इतनी सी भी यहाँ पर गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, और यहाँ पर बारिश का मौसम है और उस हिसाब से देखो यहाँ पर पेड़ भी लगाएगी, और आप भी अपने घर के आसपास पेड़ ज़रूर लगाए ताकि हमारे भविष्य में ये हमारे फ़ायदा करे। और ये देखो ये मंदिर से बाहर पीछे की साइड से निकल रही है लोग पब्लिक, ये मंदिर का पूरा ग्राउंड देखने जा रहे हैं। देखो जैसे वे लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं नीचे की साइड जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर एक होटल बनाया गया है जो नाश्ता पानी के लिए, खाने खाने के लिए सभी चीज़ें प्रकार के खाने को आपको इस होटल में खाना मिल जाएगा। और यहाँ पर बाहर मेन्यू भी लगा हुआ है आपको क्या खाना है। और इसके ये देखो बाहर की साइड हम जा रहे हैं, ये देखो मंदिर का कुछ इस तरह, ये जो है ये मंदिर की सत्संगत जहाँ पर होती है, जहाँ पर भजन संध्या होती है सभी पब्लिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये जो हॉल है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये देखिए ये पूरा हॉल है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरा भरा रहता है। यहाँ पर भजन संध्या तो होती रहती है एनी टाइम। और ये देखो पब्लिक के लिए हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए देखो कितने सारे नल लगाए हुए एक ही साथ एक ही लाइन में। और ये देखिए यहाँ पर जूते चप्पल बाहर उतारने के लिए एक काउंटर भी दिया गया है। और ये देखो ऑफिस रूम भी है यहाँ पर, यहाँ पर मिठाई वगैरह सभी मिलती है। और ये देखो यहाँ पर एक आश्रम भी बनाया गया है, ये देखो जो आश्रम के प्रमुख थे उनका। और ये जो है ये रथ है, जो रथ यात्रा के टाइम पे ये जो रथ निकालते हैं बाहर और पूरे सूरत में इसको यहाँ घुमाते हैं, पूरा वरघोड़ा बोलते हैं गुजराती भाषा में, पूरा रथ यात्रा निकलती है जो गुजराती में वरघोड़ा बोलते हैं। देखो यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा है, हर चीज़ की गाड़ियाँ वगैरह एनी टाइम हर चीज़ की, पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए सुविधा दी गई है। धन्यवाद।